सो दोस्तों एक्ट द बी एस आर वर्कशॉप, एक्चुअली मैं पर्सनली बताऊँ तो मैं 2 साल से भागने की कोशिश कर रहा हूँ एंड माई हाइस्ट वॉज 4 किलोमीटर, बट अभी अभी मैं एक फ्रेंड से मिला, अब यू कैन से नाउ फ्रेंड्स, जिनके कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं. सो मैं अब उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ दैट आर रिलेटेड टू रनिंग, रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, बिकॉज आई एम नॉट इन टू स्पोर्ट्स बट आई वॉन्ट टू गेट इन टू स्पोर्ट्स. सो लेट्स मीट हिम. यस बडी. सो यस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम एंड योर रिकॉर्ड, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पाया था. बिकॉज मेरा नाम कार्तिक जोशी है, मैं एक अल्ट्रा मैराथन रनर हूँ. मैंने मैक्सिमम अभी तक 41 आवर्स में 277 किलोमीटर्स रन किए हैं. 277 फॉर 41 आवर्स नॉन स्टॉप एंड स्लीपलेस. ओके, स्लीप लेस. अरे गजब. अच्छा मुझे ये बताइए, मैं जब 2 या 3 घंटे भी करता हूँ तो वी आर जस्ट यू कैन से टायर्ड, वो पैर कांपने लगते हैं, सांस भर जाती है, तो वो एक ब्रीदिंग का प्रोसेस कुछ होता है ना कि वो ऐसे ब्रीद करो कि सांस ना फूले, वो क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, आपको ट्रेन करना होता है किसी भी चीज़ के लिए. आपने देखा होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो 1 या 2 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें पैदल चलने में भी सांस फूलती है. हाँ, बट वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है पैदल चलने से लेकर दौड़ना भी सीख जाता है. सो वही तरीका होता है कि आप अपने लंग्स को और अपने लीवर को, अपने रिब कीज को कितना एक्सटेंड कर सकते हैं. तो वो नहीं होता कि वो नाक से सांस लेनी है, मुंह से छोड़नी है, वो ऐसा कुछ सुना था मैंने. हमें एक नेचुरल तरीके से सांस लेना चाहिए जैसे हमारी बॉडी लेना चाहती है. ओके, जैसे हम कंजर्व कर रहे हैं, जैसे हम दौड़ रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मुंह और नाक दोनों से सांस लेता हूँ. ओके, ये तरीका होता है. आप एक बार में एक ही नसल से सांस ले सकते हैं और एक नसल से छोड़ सकते हैं. अच्छा, ये नहीं पता था मुझे. आए तो हम दोनों से ले रहे हैं. नहीं. ओके, हाँ, हम मुंह से सांस लेना चाहिए मैक्सिमम, जिससे आप ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक कर सकते हो और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्साइड कर. ठीक है, दोनों से ले रहे होते हो आप भागते हुए, और छोड़नी होती है तो वो भी दोनों से ही होती है. ओके, और सबसे अच्छी चीज़ होती है, आप बोल रहे हो आप थक जाते हो. हाँ हाँ, वो सब कुछ हमारे न्यूट्रिशन और एनर्जी सोर्स पर डिपेंड करता है. ओके, जस्ट लाइक कि हम क्या करते हैं, हमारे 2 एनर्जी सोर्स होते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ओके, इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम पूरा मंथली खाते हैं, और जिस मंथली जो पूरा खाना खाते हैं, मंथली हाँ पूरे मंथ का खाना खाते हैं, जिससे हमारी बॉडी ग्रो करती है, सेल एंड टिश्यूज ग्रो करते हैं, हमारी बॉडी का हॉर्मोन्स ग्रो करते हैं, दैट्स कॉल्ड इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ओके, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी, आपने अपने रन के पहले बनाना खाया, पीनट्स खाए, डेट्स खाए. अच्छा, उसको आजकल कुछ बोलते हैं प्री वर्कआउट मील, ऐसा कुछ बोलते हैं आजकल. हाँ, वो एनर्जी का सोर, वो हमारी मील्स है, दैट सोर्स तो एक्सटर्नल है. अच्छा, कि हम उस एनर्जी का बाद में यूज कर पाएंगे हमारे वर्कआउट में. ओके, दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी. जिससे हम इंटरनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज ना करते हो, हमारी बॉडी को एक्सॉस्ट और टायर्ड नहीं करेंगे, एग्जॉस्ट और टायर्ड नहीं करेंगे. अच्छा, आपने वो बात की न्यूट्रिशन की. सो एक मिथ, मतलब मैंने पर्सनली 10 साल से सुना है कि भाई वो मेरा क्योंकि टारगेट रहा है पिछले 10-15 साल से वेट गेन, एंड आई एम फेलियर एट दैट. तो एक बहुत बड़ा मिथ रहा है या पॉइंट रहा है कि भाई नॉनवेज खाओ तो वेट बढ़ेगा, एंड यू सेड दैट यू आर अ वेजिटेरियन, और सर ने भी एग्जांपल दिया कि जो अभी दुनिया में नंबर वन है, 10 साल बाद या 5 साल बाद आपको साफ हो, अभी के लिए जो है 2022 में जब हम बात कर रहे हैं वो वीगन है. सो क्या ऐसा है दैट वेजिटेरियन डाइट कैन रिप्लेस नॉनवेज और नॉट, क्योंकि इस पर हम डिबेट भी करते हैं काफ़ी. वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, मैं तो सभी को बोलता हूँ. जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनका इंड्योरेंस लेवल वेजिटेरियन से कम होता है, देन जो वेजिटेरियन होते हैं उनका इंड्योरेंस लेवल वीगन से कम होता है. अच्छा, इफ यू वांट इंड्योरेंस, अगर आपका इंड्योरेंस लेवल अच्छा है तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी ग्रो करेगी, किसी आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा और जल्दी जल्दी सेल डेवलप होंगे आपके. अगर आप ज़्यादा सोएंगे तो आपका वेट भी गेन होगा. हाँ हाँ हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बिकॉज हम लोग जब बिजनेस में होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, तो वो सोना नहीं मिलता कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे. मैं आपको एक रीज़न बता देता हूँ. हाँ, एक साइंटिफिक रिसर्च की थी यूएसए में. ओके, जिसमें 16 लोगों की 2 टीम डिवाइड की, 16 की 8. हाँ, और 8 और 8 है ना, टीम ए एंड टीम बी. उन दोनों टीमों को वेट लॉस करना था. ओके, है ना, उनका एम दोनों का यही था. उसके बाद उनका न्यूट्रिशन, उनका वर्कआउट, उनका डेली एक्टिविटी एंड डेली पूरा शेड्यूल सेम था. बस एक चीज़ डिफरेंट थी, जो टीम ए थी वो 8 से 10 घंटा सोती थी. ओके, देन जो टीम बी है वो 5 से 6 घंटा ही सो पाती है. ओके, एक महीने बाद जब उनका पूरा सारा शेड्यूल सेम था और सब कुछ करने के बाद जब एक महीने बाद टेस्ट किए गए तो वेट दोनों टीमों का कम हुआ था. देन बस एक ही चीज़ डिफरेंट थी कि जो टीम ए थी उनका फैट लॉस हुआ था और जो टीम बी थी उनके मसल्स लॉस हुआ था. अरे, जब हम कम सोते हैं तो हमारे मसल्स रिकवर नहीं कर पाते. हम जब सोते हैं उसके 1 घंटे 18 या 20 मिनट बाद हमारे मसल्स रिकवर करना स्टार्ट करता है, टिश्यूज रिकवर करना स्टार्ट करते हैं जिससे मसल्स बनते हैं. और अगर हम कम सोएंगे तो हमारे मसल्स और टिश्यूज रिकवर नहीं होते. तो अगर आप स्पोर्ट्स में हो और अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो यू हैव टू स्लीप.
तो आपका वर्कआउट, ये तीन चीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अच्छा, तो एक बेटर क्वेश्चन, अगर एक एंटरप्रेन्योर है, लाइक आई एम एन एंटरप्रेन्योर और इफ आई वांट टू वर्क ऑन हेल्थ बट आई एम नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप, सो शुड आई स्टॉप डूइंग एक्सरसाइज और शुड आई स्टार्ट हैविंग अ प्रॉपर स्लीप? मतलब अगर एक बंदा नींद नहीं ले रहा लेकिन फिर भी एक्सरसाइज कर रहा है और न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तो इज इट हार्मफुल? मैं एक चीज बताता हूँ, जब हम एक ग्लास पानी पीते हैं ना तो हमारा माइंड 10% फास्ट चलने लगता है। अच्छा, ये भी है? आई डोंट नो, ये चीज है। अगर आप प्रॉपर स्लीप करेंगे ना तो आप जितना काम पूरे 16 घंटों में करते हो शायद 12 घंटे में हो जाए। ओके, तो उसका माइंड रिलैक्स भी रहेगा। देन आप एक्सरसाइज जब करोगे ना तो आपकी बॉडी के हॉर्मोन्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, सेल्स ज़्यादा वर्क करते हैं, WBC आपका एक्टिव हो जाएगा ना, तो आपकी बॉडी जो काम 15 से 20 घंटे में करती है वो शायद 10 घंटे में कर ले। सो आई थिंक आपको वर्कआउट और अपना स्लीप को अगर आप मैनेज करोगे तो आप और अच्छा वर्क कर सकते हो एज अ इंटेलिजेंस। मतलब एलन मस्क एक दिन में 8 घंटे सोता है। हाँ, जबकि वो तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, हम तो कुछ भी नहीं है। I think so, उनको हम सभी से ज्यादा काम होता है। Of course, of course. चाहे कंपनी है। And a single of second तो करोड़ में होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कैलकुलेशन करता है। Okay. So, I hope we will have a podcast on it. Last question to you, what kept you motivated for running? आपने कितना बताया था? Hours? That was? 41 hours continuously. हाँ. सो जैसा कि मैंने आपको बोला, मेरा 4 किलोमीटर कंटिन्यूस नहीं होता, उसके पास हाफ फुल रही होती है। एंड ही रैन फॉर 41 आवर्स एंड किलोमीटर्स फॉर 277 किलोमीटर्स कंटिन्यूसली। एंड कंटिन्यूसली मतलब वो हमारा वाला नहीं कि वो रनिंग के बाद वॉक करके फिर रनिंग कर ली, वो घास पे चले गए, इनका वो रियल वाला था, नॉट लाइक आर्स। सो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड फॉर द रियल रनिंग? हमारी वाली नहीं, आपकी वाली जो रियल रनिंग होती है। हमेशा हमें हमारी गोल्स को टारगेट करना चाहिए। हाँ। या हमेशा हमारा कंपटीशन खुद से होना चाहिए। okay. लोग क्या करते हैं, हमेशा किसी को टारगेट कर लेते कि इसने इतना किया, मेरे को भी यहाँ तक पहुँचना है और मैं कुछ समय में पहुँच जाऊँगा। जब आप किसी को कॉम्पिटिट करोगे, किसी से कॉम्पिटिशन होगा, तो आप एक सीमित बैरियर लाइन तक पहुँच पाओगे या एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कभी नहीं बना पाओगे। अच्छा, आप उसी को क्रॉस करने की आपका टारगेट है। बट मैं हमेशा खुद से कॉम्पिटिट करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जब मेरा खुद से कंपटीशन होगा तो एक ऐसी बैरियर लाइन बनाई जा सकती है जो लोगों को क्रॉस करने में अरसा बीत जाए। ओके, सो यू आर सेइंग योर कंपटीशन इज योरसेल्फ, यू एंड मायसेल्फ, मी एंड मायसेल्फ। देन नेक्स्ट थिंग इज दैट कि मैं हमेशा अपने गोल पर अपने फैमिली और अपने सपोर्टर्स को अज्यूम करता हूँ कि वो मेरा वेट कर रहे हैं, तो मुझे एज सून एज पॉसिबल वहाँ पहुँचना है। तो मैं बीच में थक भी रहा होता हूँ तो वो मेरा मोटिवेशन का सोर्स होता है, एक फुल ऑफ एनर्जी होती है। Perfect, perfect. Okay, bhai. So thank you for the talk. Soon we will have a podcast, hopefully. Thank you so much. See you.